अनुराग बसु ने बर्फी जैसी उम्दा फिल्म बनाई है, लिहाजा जग्गा जासूस से उम्मीद होना स्वाभाविक है। रणबीर कपूर और अनुराग बसु की जोड़ी ने वर्षों इंतजार कराया और अब जाकर जग्गा जासूस रिलीज हुई है। अनुराग बसु के बारे में कहा जाता है कि वे कभी भी पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट पर काम नहीं करते। मोटी मोटी बातें उनके दिमाग में रहती है और सेट पर पहुंचकर वे अपने हिसाब से फिल्म की शूटिंग करते हैं। ऐसे में हड़बड़ी में गड़बड़ी होने की संभावना भी रहती है और जग्गा जासूस में यह गड़बड़ी हो गई है। इस फिल्म में सब कुछ बढ़िया है सिवाय लेखन के, और यह इस महंगी और मेहनत से भरी फिल्म को भारी नुकसान पहुंचाती है। जग्गा के जासूसी किस्से श्रुति सेन गुप्ता बच्चों को सुनाती है। जग्गा हकलाता है इसलिए बोलता नहीं है। उसे पालने वाला शख्स बादल बागची कहता है कि यदि वह गाएगा तो अटकेगा नहीं। जग्गा ऐसा ही करता है। अचानक बादल गायब हो जाता है। जग्गा को उसके जन्मदिन पर हर साल बादल एक वीडियो कैसेट भेजता है। जग्गा बड़ा होता है और अपने पिता को ढूंढने निकल पड़ता है। इस काम में उसकी मदद करती है श्रुति। वर्षों पहले पुरुलिया में एक हवाई जहाज ने हथियार गिराए थे। इस घटना से भी कहानी को जोड़ा गया है और दिखाया गया है कि हथियार के सौदागर किस तरह दुनिया को तबाह करने में लगे हुए हैं। इस फिल्म को लिखा और निर्देशित अनुराग बसु ने किया है। फिल्म का शुरुआती हिस्सा जग्गा के बचपन पर खर्च किया गया है और फिल्म का यह पार्ट अच्छा लगता है। जग्गा और उसके पिता के बीच की बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। जग्गा बड़ी क्लास में है और जासूसी में उसकी दिलचस्पी है। जग्गा को जासूस के रूप में स्थापित करने के लिए दो किस्से फिल्म में रखे गए हैं। एक में जग्गा अपने टीचर की हत्या की गुत्थी को सुलझाता है और दूसरे में वह श्रुति को हत्या के आरोप से बचाता है। ये दोनों केस बहुत ही सतही लगते हैं और जग्गा को जासूस के रूप में उभार नहीं पाते। जग्गा की छानबीन और मामले के तह में जाना दर्शकों को लुभा नहीं पाता। इन दोनों किस्सों को लंबा खींचा गया है और तब तक इंटरवल हो जाता है। इंटरवल के बाद उम्मीद जाती है कि पिता को खोजने वाला केस दिलचस्प होगा, लेकिन लेखक के रूप में अनुराग बसु के हाथ से फिल्म छूट जाती है। फिल्म बिना ड्राइवर के गाड़ी की तरह चलती है, जहां मर्जी होती है वहां घुस जाती है। फिल्म का क्लाइमैक्स अत्यंत निराशाजनक है और आधा अधूरा लिखा गया है। दुश्मनों के अड्डे पर पहुंचकर जग्गा और श्रुति अविश्वसनीय कारनामे करते हैं। फिल्म का निराशाजनक पहलू यह है कि जग्गा कभी भी जासूस नहीं लगता। उसे बेहद स्मार्ट बताया गया है, लेकिन उसके काम में स्मार्टनेस नजर नहीं आती। ऐसा लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। हथियार के सौदागरों वाली बातें फालतू की लगती है। फिल्म में एक प्रयोग यह किया गया है कि जग्गा अपने 90% संवाद गाता है। यह प्रयोग जरूरी नहीं है कि सभी को पसंद आए या हर बार पसंद आए। इससे फिल्म को समझने में भी परेशानी होती है। लेखक के रूप में अनुराग बसु कंफ्यूज नजर आए और उनके काम में कच्चा पंच लगता है। उन्हें ऐसा लगा कि निर्देशक के रूप में वे अपने लेखन की कमजोरियों को ढक लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। निर्देशक के रूप में बसु का काम अच्छा है। उन्होंने फिल्म को एक अलग लुक दिया है और आप जग्गा की दुनिया में खो जाते हैं। कई छोटे छोटे सीन गड़े हैं जो दर्शकों को छूते हैं। जग्गा का भोलापन फिल्म में निखर कर आता है और जग्गा जैसे दिलचस्प किरदार के कारण ही फिल्म में रुचि बनी रहती है। अनुराग बसु ने अपने कलाकारों और टेक्नीशियनों से अच्छा काम लिया है। निर्देशक के रूप में उनकी मेहनत पर्दे पर नजर आती है, लेकिन कमजोर लेखन के कारण यह सब व्यर्थ लगती है। अपने निर्देशकीय कौशल के दम पर वे कुछ देर तक दर्शकों को बांध कर रखते हैं, लेकिन बाद में सब कुछ खोखला लगता है। तकनीकी रूप से फिल्म अद्भुत है। डिज्नी का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दखल दिखाई देता है। कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और खूबसूरत लोकेशन फिल्म को इंटरनेशनल लुक देते हैं। सिनेमाटोग्राफर रवि वर्मन फिल्म के हीरो हैं। उनका काम अंतरराष्ट्रीय स्तर का है। हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह नजर आती है। लाइट, शेड और रंगों का संयोजन गजब का है और आंखों को ठंडक देता है। गानों में गलती से मिस्टेक और उल्लू का पट्टा ही ठीक है। गलती से मिस्टेक की कोरियोग्राफी इस गाने को देखने लायक बनाती है। रणबीर कपूर ने एक और शानदार परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने फिर दिखाया है कि वे काबिल एक्टर हैं। जग्गा के किरदार को उन्होंने बेहतरीन तरीके से अदा किया है। उनके अभिनय में ताजगी नजर आती है। कैटरीना कैफ ने रणबीर का साथ अच्छे से निभाया है। दोनों की जोड़ी भी अच्छी लगी है। जग्गा जासूस को यह पता लगाना चाहिए कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट इतनी कमजोर क्यों रह गई। इस फिल्म को मैं 5 में से 2.5 स्टार देता हूँ।